हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं ये बचे हुए कपड़ों में से, जो कि एकदम कतरन जैसे हैं। हमने इसके पीसेस दो प्रिंटेड ले लिए हैं, लंबी पट्टियाँ, और तीन पीस हमने प्लेन लिए हैं। इनसे हम बनाने वाले हैं एक कुशन कवर। तो सबसे पहले हम इन पीसेस की आपको डायमेंशन दिखा देते हैं। पांचों पीस हमारे बराबर है, दो बस कलर्ड है और तीन हमारे प्लेन हैं। तो डायमेंशन देखिए, लंबाई इसकी है 25 इंच और चौड़ाई देखिए 3 इंच है। लगभग 3 इंच चौड़ाई के पांचों पीस हैं और लंबाई हमारी है 25 इंच। तो देखिए, नाक के आपको दिखाते हैं, इस तरह से हमारे पांचों पीस 3 बाई 25 इंच के हैं। इसको अरेंज कैसे करना है वो आप देखिए। सबसे पहले एक प्लेन पीस, फिर एक लाइनिंग वाला पीस, फिर एक प्लेन पीस और फिर डिज़ाइनिंग वाला पीस और फिर लास्टली एक प्लेन पीस, यानी तीन प्लेन पीस और दो डिज़ाइन वाले पीस। ऐसे ही हमें अरेंज कर लेने हैं और सिल लेने हैं। इन पांचों पीस को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के हम सिल लेंगे। इस तरह से उल्टा रख के पांचों पीस अब जोड़ लेते हैं। तो हमने इस तरह से पांचों पीस आपस में जोड़ लिए हैं। अब इसमें जो किनारे थोड़े से उबड़ खाबड़ हो गए हैं, इनको हम काट के, सिलते टाइम ये कभी कभी उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, तो हम इनको अब काट के बराबर कर दे रहे हैं। दोनों साइड से ऐसे ही हम सारे किनारों को बराबर कर लेंगे। जब ये दोनों साइड के किनारे बराबर हो जाएंगे तो इस पीस को हम बीचों बीच से फोल्ड करके दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बराबर किया, अब इसे बीच से ऐसे फोल्ड किया चौड़ाई में ऐसे, और उसके बाद इसे दो टुकड़ों में हम काट देंगे। तो देखिए, अब हम इसे दो टुकड़ों में काट लेते हैं। असल में हमें जो डिज़ाइनिंग करनी है वो इन्हीं पीस को किसी स्पेसिफिक तरह से अरेंज करेंगे और हमें डिज़ाइन मिल जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए। इसे इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर दिया। अगर आपको कोई एक केस में परेशानी हो या आपको कुछ भी हमसे शेयर करना, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पर जाके भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से इधर से भी बराबर कर ले रहे हैं, थोड़ा सा हमें उबड़ खाबड़ लग रहा है कपड़ा, तो ये काट के हम बराबर कर दे रहे हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम इसे बीच से, जैसा हमने आपको बताया, कट कर देंगे। तो हम ये पीस जा रहे हैं कट कर देंगे ऐसे बीच से। इसके बाद एक पीस को हम वर्टिकल और एक को हॉरिजेंटल रख के एक दूसरे के ऊपर चारों तरफ से सिलेंगे, तो वो भी हम आपको दिखाते। तो ऐसे हमें ये दो पीस काट लेने हैं बीचों बीच से। अब देखिए, जो नीचे वाला पीस है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, दो पीस हो गए हमारे। नीचे वाला पीस आपको ये दिख रहा होगा, हॉरिजेंटल है इसमें लाइंस। अब इसके ऊपर दूसरा पीस हम वर्टिकल लाइंस के, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइंस है, इसके ऊपर हम इस तरह से पीस को उल्टा रखते हैं कि ये वर्टिकल लाइंस वाला हो जाए, और उसके बाद पिन से इसे पूरी तरह से अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि ये अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए। तो अब हम इसे पिन से अटैच कर देंगे चारों ओर, और उसके बाद हम इसमें चारों ओर से सिलाई करेंगे। तो हम पहले बराबर अच्छे से अटैच कर देते हैं। पिन की मदद से अटैच करना इसलिए ज़रूरी है जिससे जब हम सिले तो खिसके ना। हमें इस तरह से अटैच कर लेना है, और उसके बाद हम पिन लगा ले रहे हैं हर तरफ। तो ये हमारी पिन हो गई, इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। ये दोनों पीस इस तरह से अटैच हो गए, चारों ओर सिल लेंगे अब इसमें। ये हमने चारों ओर से सिल लिए हैं दोनों पीस को। अब हम क्या करेंगे, देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल को एक दूसरे पर रख के फिर सिला है। अब हम इनके इस तरह से डायगोनल खींच लेंगे, यानी एक कोने से दूसरे कोने को मिलाते हुए बीचों बीच से एक लाइन इस तरफ से और एक लाइन दूसरी तरफ से खींच लेंगे, जो कि बीच में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी। तो इस तरह से हमने एक लाइन ऐसे खींच लेना है और एक लाइन, आप कोई भी चौक ले सकते हैं। अगर आपके पास रोलिंग कटर है तो बहुत अच्छा है, सीधी एकदम कटेगी, बट यहाँ मेरे पास रोलिंग कटर नहीं है, हम कैंची से काट रहे हैं इसे। तो इस तरह से हमने इसे बीचों बीच में लाइन खींच लिया। अब हम इन्हीं लाइंस पे से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें 4 पीस मिल जाएंगे।
और उन्हीं को अरेंज करके हम बनाने वाले हैं अपना कुशन। तो इस तरह से हमें काटना है। एक हमने काट लिया डायगोनल, अब दो पीस मिल गए और उन दोनों पीसेस को भी हम काट लेंगे। ये इस तरह से, ये इधर एक काट लिया तो ऐसी डिज़ाइन हो जाती है। फिर ये इस पे भी डायगोनल आपकी कटिंग चलेगी। ये दोनों फोर पीस हो जाएंगे। अब उनको अरेंजमेंट उसका डिज़ाइन को कैसे करना है वो आप देखिए। इस तरह से इसमें एक बीच में डिज़ाइन सी बनती जाएगी। तो ये हुआ। फिर चौथा पीस यहाँ पे ऐसे लगाना है, इस तरह से नहीं, इसको भी हर देख के रखना है कि हमारी डिज़ाइनें हर जगह एक सी दिखे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, इसे ऐसे रख देंगे तो ये डिज़ाइन स्वास्तिक जैसा पूरा हो जाएगा। अब हमें इसी तरह से इसे सिल लेना है चारों को। तो एक के ऊपर एक रखेंगे उल्टा, ये देखिए, और ये सिल देंगे। फिर इसके ऊपर यहाँ रख के ये सिल देंगे। और फिर जब दो पीस हो जाएंगे तो दोनों को इस तरह से रख के एक के ऊपर एक रखेंगे और सिल देंगे। तो चार पीस हमने ये चारों पीस सिल लिए हैं। तो आपको दिखाते हैं फाइनल स्ट्रक्चर। ये देखिए इस तरह से बन के आता है। अब इसके हम कुशन लाने के लिए इसे नाप लेते हैं पहले। तो 16x16 का ये पीस रेडी हुआ है हमारा, जो कि नॉर्मल एक सही कुशन का माप होता है। अस्तर के लिए ये देखिए हर तरफ से ये 16x16 होगा। अस्तर के लिए हमने दो पुराने कपड़े ले लिए हैं, आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो एक हमारा 7x17 का है और एक हमारा 11x17 का। छोटे पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलेंगे, यानी थोड़ा मोटा मोड़ते हुए सिल लेंगे यहाँ से, ऐसे सीधी सिलाई। और जो बड़ा वाला पीस है उसको बहुत पतला सा ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने दोनों पीस को सिल लेंगे और फिर एक के ऊपर एक इसे रखेंगे। कैसे वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये डबल फोल्ड मोटा वाला रखेंगे, उसके ऊपर हम ये जो पतली सी फोल्डिंग करके रखे हैं वो रखेंगे इसके ऊपर, और उसके ऊपर उल्टा रखेंगे हम अपना मेन फैब्रिक, यानी जो हमने पैच वर्क करके तैयार किया है। तो ये देखिए इस तरह से पलट दिया हमने, ये देखिए इस तरह से खोलने का नहीं आएगा। और इसके ऊपर हमने उल्टा रख दिया ये, और चारों ओर से बिना कुछ दिक्कत के इसे सिल लेंगे। चारों ओर से सिल लेंगे और फिर आपको सीधा करके दिखाते हैं। इसमें बटन आप लगा सकते हैं पीछे की तरफ, फाइनल लुक आगे का और पीछे का। इसमें बटन भी लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।